नमस्कार सबको, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। तो ये वीडियो टाइटल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं स्पेशली बना रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि जीपैट के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक क्या है, तो नॉर्मली आपको पता होता है, बट फिर भी मैं कुछ स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 2 times क्वालिफाई किया है और मैं नाइपर गुवाहाटी के एलुमनाई हूं, अभी टीचिंग में हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो क्या हो सकती है। तो पहले बात करते हैं, जो मेरा सब्जेक्ट था, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, दैट इज फार्माकोलॉजी, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए ज़्यादातर बच्चे KDT पढ़ते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। बट जब आप जीपैट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो KDT के टेबल्स, मैं फिर से मेंशन करूंगा, KDT में जितने भी टेबल्स और डायग्राम दिए हुए हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बट आप थ्योरेटिकली उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी कुछ आपको समझ में नहीं आता, या जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आपके लिए यूजफुल या ल्यूक्रेटिव नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं एक बुक के बारे में बताऊंगा, दैट इज रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, जो इस वीडियो के एक सेगमेंट में आपको दिखाया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को कंबाइंड कर दिया जाए तो रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी के अलावा एक बुक की और आपको जरूरत है, दैट इज पियर्सन जीपैट गाइड बुक। ये 2 बुक अगर आप यूज करते हो तो जीपैट की आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा फार्मालाइट या फिर GDC के जो ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, जो मॉक पेपर होते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। प्लस मेरे चैनल पे मैं वीकली 2 to 3 लेक्चर्स छोटे छोटे अपलोड करता हूँ, वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो चलिए बिना देर किए नेक्स्ट सेगमेंट में आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपको वो बुक्स PDF के फॉर्म में चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। मेरे कम्युनिटी सेगमेंट में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करके वो बुक मुझसे PDF फॉर्म में ले सकते हैं, या उनका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो बुक आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये सामने बुक है, ये बेस्ट सेलिंग बुक ऑन द सब्जेक्ट लिखा हुआ है, दैट इज रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, और गोविंद राय गर्ग और स्पर्श गुप्ता इसके ऑथर हैं। तो ये बुक की खास बात क्या है, मैं ये बता दूं, ये एक्चुअली ये बुक जो है, ये MBBS के बाद जो मास्टर्स का एग्ज़ाम होता है, MBBS के बाद MD MS के लिए ऑल इंडिया लेवल का, उसके लिए ये बुक डिज़ाइन की गई है। और इसके साथ आपको एक DVD ROM भी मिलता है जिसपे गोविंद राय गर्ग और स्पर्श सर का लेक्चर होता है, जो काफ़ी यूजफुल होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे रहता है, काफ़ी टफ पार्ट है। इस पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, देखिए एक लिखा हुआ है, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ KDT, कार्ट जंग, गुडमैन गिलमैन, हैरिसन, CMDT। तो ये जो बेस्ट फार्माकोलॉजी की बुक्स हैं उनके जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है उनका, जो इसमें रिव्यू लिया गया है, ठीक है। ये बुक अगर आप स्टडी करते हो तो इसमें इस तरह से आपको कंटेंट्स मिलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बस जस्ट अ मिनट, ये रहा, हाँ तो मैं बड़ा कर दूँ। देखिए, जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोकोआइड, कार्डियोवैस्कुलर, किडनी, इंडोक्राइन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एनेस्थीसिया और हिमेटोलॉजी। होपफुली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये बुक PDF में मेरे पास अवेलेबल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से देखिए लगभग टोटल 921 चैप्टर में है। हाँ, तो खास बात क्या है इनकी, जैसे अगर आप हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी लेते हो या कोई भी चैप्टर आप लेते हैं तो लास्ट में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो MBBS के बाद नीट के लिए जो एग्ज़ाम होता है मास्टर्स वाला, उसके लेवल के रहते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में ये बुक जो है, अब देखिए ये मैंने इस काफ़ी लंबे पेज पे चला गया, तो ये बुक आपको काफ़ी यूजफुल है। अब दूसरी बुक के बारे में बता दूं मैं, वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दूसरी बुक ये देखिए, अब जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, अब देखिए ये चैप्टर है,
आपके ये व्हाट इज द फॉलोइंग एमिनो ग्लाइकोसाइड, ये एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। आप देखिए इस चैप्टर में टोटल आप देख सकते हैं मोर देन 150 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। 786 पेज की ये बुक है पीडीएफ फॉर्म में, तो काफ़ी यूजफुल बुक है। अगर आप थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में और आप प्रॉपर प्लानिंग करना चाहते हैं जीपैट की, तो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। चलिए सेकेंड बुक मैं आपको दिखाता हूँ इसी तरह से।